नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप रोज़ के अपेक्षा जो प्रैक्टिस देख रहे थे सभी पार्ट का, जिसमें आपको भूगोल का पार्ट चल रहा है, आज नदियों से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से जो सिंधु नदी के सहायक नदी नहीं है वह है, तो ध्यान रखना है स्योक नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। ये सिंधु की सहायक नदी हैं और लद्दाख जम्मू कश्मीर में फैली हुई हैं। जो कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, यह सिंधु की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि इसी नदी पर जो है बिहार में कोसी परियोजना है। ये नेपाल के पर्वतीय भाग से निकलती हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती हैं? तो आपको ध्यान रखना है सोन नदी, नर्मदा नदी, और कह सकते हैं तवा नदी या वेन गंगा नदी। ये सभी अमरकंटक से पहाड़ से निकलती हैं। गोदावरी नदी जो है कह सकते हैं यह महाराष्ट्र से निकलती है, तो इस कारण ये क्या हो जाएगा, महाबलेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, नासिक की पहाड़ियाँ हैं, तो नासिक की पहाड़ियों से निकलती हैं, तो ये इसका सही आंसर गोदावरी हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन दो नदियों का संगम है? तो जहाँ पर रुद्रप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा मंदाग्नि का संगम है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहाँ पर भागीरथी और कह सकते हैं अलकनंदा मिलती हैं, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये देवप्रयाग होगा इसका, लेकिन सही आंसर अलकनंदा मंदाग्नि होगा। अलकनंदा मंदाग्नि इसका सही आंसर होगा। और देवप्रयाग यदि ये रुद्रप्रयाग होगा, और देवप्रयाग कहेगा अलकनंदा भागीरथी होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किन नदियों में नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती? तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, बाकी सभी डेल्टा बनाती हैं। गंगा सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो ये नर्मदा हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा नहीं बनाती तो भ्रंश बनाएगी, तो यही। यदि क्वेश्चन देखते हैं, देखिए भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी इसका सही आंसर होगा। और फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये चंबल, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, केन, रामगंगा हैं। छिप्रा नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये महानदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती हैं? पीर पंजाल से निकलती हैं जो कि सिंधु की सहायक नदी हैं, तो ये हो जाएगा झेलम। कावेरी किन राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ये किन किन राज्यों से होकर जाती हैं? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरला। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको जल को लेकर विवाद हो रहा है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत माला से निकलती हैं? तो अरावली पर्वत माला से कह सकते हैं लूनी नदी निकलती हैं। यह नदी आधे भागों में मीठे जल का प्रवाह करती हैं और आधे भागों में खारे जल का प्रवाह करती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है लूनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तनिक है? तो नदी की घाटी विवर्तनिक है, ये ताप्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक पठार में से कौन सी नदी नहीं निकलती हैं? तो ये देखिए सोन नदी, नर्मदा नदी, और यहाँ पर आंसर ही गलत हो गया, वेन गंगा, क्योंकि गोदावरी और महानदी दोनों यहाँ से नहीं है। जैसे महानदी भी कहेगा तो ये सिसवा छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, तो ऐसे गोदावरी भी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका स्टार बना दीजिए, इसका सही आंसर जो है दो हो जा रहा है, गोदावरी और महानदी दोनों इसका सही आंसर हो जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं है, तो इस कारण क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इसमें हो जाएगा कि निम्नलिखित में से तीन बार दो धाराओं से विभक्त हो जाने के बाद आगे चलकर पुनः मिल जाती हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती हैं, यह कौन सी नदी है? तो यह हो जाएगा कावेरी। भागीरथी नदी निकलती हैं, तो भागीरथी जो है ये कहाँ से निकलती हैं? तो उसका केंद्र पूछेगा तो गोमुख होगा, यदि क्षेत्र पूछेगा तो गंगोत्री होगा। तो यहाँ पर केंद्र पूछ रहा है कहाँ से निकलती हैं, गोमुख से।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे से नहीं मिलती हैं? तो इसका सही आंसर यमुना हो जाएगा। नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? नर्मदा और सोन नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं, जो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है, अमरकंटक इसका सही आंसर होगा। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती हैं, तो कौन सी नदी भारत और नेपाल के, ये काफ़ी चर्चित भी रहा है इस बार, ये काली नदी। काली नदी जो है भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है, तो आपने इससे पहले देखा था, देवप्रयाग उसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है, तो इसका सही आंसर नर्मदा हो जाएगा। जोग जलप्रपात या इसी को गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं, जोग को ही गरसोप्पा कहा जाता है, ये किस पर है? तो ये सरावती नदी पर है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नदियों के किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही समान है, मतलब वो एक ही समान रूप से निकलती हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है कह सकते हैं मानसरोवर के ग्लेशियर से निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती हैं? तो ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती हैं। गंगा जो है पद्मा नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है? तो ये हो जाएगा कोशी नदी, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान चिन्हित करना है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, इसका हो जाएगा गोमती। भारत में किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो फुल्लर झील जो है उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। गंगा नदी उदाहरण है, गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अफवाह का। सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इसमें से जो गलत कथन है उसको चिन्हित करिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें समझौते के अनुसार भारत सिंधु समझौता दो सहायक नदियों झेलम और चिनाब जो है, कह सकते हैं कि यही आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 80-20 का है, तो कहीं पर 80-20 का उल्टा और सीधा करके भी देखेंगे। सिंधु जल विवाद जो है 1960 वाला, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब इस कथन के अनुसार वो गलत है। श्रीनगर शहर अवस्थित है, तो श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है? तो ये झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है, इसका हो जाएगा झेलम, सही आंसर इसका झेलम हो जाएगा। गंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र है। माजुली असम में है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी सहायक नदी वैश्विक स्तर पर राफ्टिंग के लिए जानी जाती हैं, मतलब वो जो लोग तैरते नहीं हैं वो ट्यूब वाला नाव बनाकर, वही राफ्टिंग होता है, राफ्टिंग के लिए मानी जाती हैं, ये रंगीत नदी है। वृद्ध गंगा के नाम से किसे कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहा जाता है। भारत में कौन सा पड़ोसी देश गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है, तो ये नेपाल हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किन दो नदियों को परस्पर जोड़ा गया है? तो किन दो नदियों को, तो ये हो जाएगा आपका, जो नदी जोड़ो परियोजना के तहत इसको जोड़ा गया है, नर्मदा और छिप्रा को। तैरती द्वीपी मतलब होता है एक छोटा सा तैर है, उसको जो है मणिपुर में है, और उस पर जो है लोकटक झील है, उसी पर तैरता हुआ एक झील जिसे लोकटक कहते हैं, केबुल नाम जाओ नामक एक तैरता हुआ पार्क है ये लोकटक झील पर। पुष्कर झील जो राजस्थान के किस जनपद में है? तो ये आपका हो जाएगा अजमेर में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है पुष्कर झील। और फिर इसके बाद भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित है, तो सबसे ऊंची हिमानी जो निर्मित है ये हो जाएगा देवताल में। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है, डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों सही होगा। फिर इसके बाद यरलुंग जांगपो नदी किस नदी को कहते हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से केंटी जलप्रपात कहाँ जो है कह सकते हैं अवस्थित है? तो केंटी रीवा में है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो यहाँ पर लंबी नदी की बात करता है, प्रायद्वीपी भारत की भी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अब देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो
तो बुलर झील है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी पुलिस में ये क्वेश्चन आया था। नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। फिर आते हैं खारे पानी की सबसे बड़ी झील यदि पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सांबर, लेकिन अंतः है। यदि पूछेगा बाह तब चिल्का हो जाएगा, और सबसे अधिक खारा या लैंगून पूछेगा तो आपका चिल्का हो जाएगा, इसका सही आंसर सांबर होगा। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अरब सागर में नहीं गिरती हैं, तो इसका कृष्णा नदी, क्योंकि वो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। कौन सा कथन असत्य है, तो ये हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं करती बल्कि एक ही मार्ग पर चलती हैं, बस कोसी एक अपवाद है, यही असत्य है, मतलब ये असत्य कथन को अलग करें, तो ये परिवर्तित करती हुई चलती हैं, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी मुड़ती हुई चलती हैं। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से महाराष्ट्र राज्य में उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी। गंगा नदी किस वर्ष राष्ट्रीय नदी का इसको दर्जा दे दिया गया, गंगा नदी को, तो 2008 में। आंध्र प्रदेश ने सितंबर 2015 में निम्नलिखित में से किन दो नदियों को जोड़ा था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सिविल में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा और गोदावरी को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तवा जो है प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर नहीं है, बाकी मैथुडन कावेरी पर है, उकाई ताप्ती पर है, मिदनापुर नहर कासावती नदी पर है। क्लियर हो गया, तो आज इतना ही। आप लोग हिंदी प्रभात चैनल को जो है सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज दिए जाएंगे, और चैप्टर वाइज वीडियो प्राप्त करने के लिए हिंदी प्रभात चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर दिन जो अपलोड हो रहे हैं आपका, कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं आपको बहुत आसानी से, ये क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा स्तर पर पूछे गए हैं। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।